नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। आज शाम होते होते दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर महाराष्ट्र से निकल के आई। आज ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जमकर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया। सोनिया के खिलाफ हमला बोला ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला। थर्ड फ्रंट की बात सामने निकल के आई। इस थर्ड फ्रंट का लीडर कौन होगा, इस पर भी बातचीत हुई। इस मुलाकात के मायने क्या है, ये मुलाकात आगे कहां तक जा रही है, ये थर्ड फ्रंट होगा तो कैसा होगा, उसका लीडर क्या होगा, कौन बनेगा चेहरा, ये तमाम सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। और इन तमाम सारे उलझे हुए सवालों को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से समझने के लिए ये विशेष प्रोग्राम है अंदर की बात। और इन सवालों के जवाब हम समझेंगे इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर के साथ। राणा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मुलाकात हुई है इसे लेकर के बहुत चर्चाएं इस समय गर्म हो गई हैं, तो पहला सवाल यही खड़ा होता है सर कि ये जो मुलाकात है इसके मायने क्या है, आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? राजनीति में मुलाकातें जो है बेमानी होती नहीं है, बेमतलब होती नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो है वो औपचारिक मुलाकात दोनों नहीं गई। दोनों ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंटरेक्शन था, तो राजनीतिक बातचीत अगर थी तो लाजमी है कि ममता बनर्जी के एजेंडे पर ही चल रही होगी, क्योंकि वही मिलने गई थी शरद पवार से। शरद पवार आज की तारीख में एनसीपी के नेता हैं और उनकी पार्टी महाराष्ट्र में उद्धव के साथ सरकार चला रही है। उद्धव ठाकरे से मिलने गई थी, क्योंकि वो बीमार हैं इसलिए उनके बेटे आदित्य ठाकरे मिले थे, संजय राउत मिले थे। अब शरद पवार ने मुलाकात की। इन दोनों दलों से मिलकर के ममता बनर्जी ने एक संकेत दिया कि कांग्रेस भी वही है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता से वहां नहीं मिली और ना ही वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार चला रही तीन पार्टियों में से दो पार्टियों के नेता से ममता मिलती हैं, लेकिन तीसरी पार्टी के नेता से ना वहां मिली और ना ही दिल्ली में मिली। तो उनका संकेत और संदेश दोनों बहुत साफ है कि अलग अलग राज्यों में जो पायेदार पार्टियां हैं उनके साथ हम एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएं, और वो चुनाव के बाद या चुनाव के समय उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़े, और चुनाव के बाद एक गठबंधन तैयार हो जाए। हो सकता है कि चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो जाए, लेकिन बीजेपी को बाहर करने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनने देने के लिए एक मोर्चा तैयार हो, उस मोर्चे की अगुवाई ममता बनर्जी को मिल जाए। वो खुल के तो नहीं कह रही है, लेकिन चूंकि वो लगातार ये कैंपेन जारी रखे हुए हैं तो यह संदेश भी वो दे रही है कि कमान मेरे हाथ में रहे, हम सबको एक साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यूं तो बीजेपी ने यह कोशिश की थी कि कांग्रेस का देश से सफाया करें, लेकिन अब ये काम कमोवेश ममता बनर्जी करते नजर आ रही है, चूंकि पैन इंडिया एक्सपेंशन का मूड उनका लग रहा है और तमाम सारे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, ये सब छोड़ रहे हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर की बात हो। हरियाणा से अशोक तंवर आ गए, सुष्मिता देव आ गई असम से, और मुकुल संगमा के समेत मेघालय से वो 17 में से 12 कांग्रेस, ऐसे तमाम सारे चेहरे बड़े निकल के आए हैं। मेरा सवाल बड़ा साफ है यहाँ पर, ये जो ममता बनाम मोदी का कॉन्सेप्ट बनाने से पहले क्या ममता ये समझ चुकी है कि इसको पहले ममता बनाम सोनिया बनाना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि यूपीए अब है ही नहीं, यूपीए नहीं है तो सोनिया गांधी जिस गठबंधन की चेयरपर्सन है वो है कि नहीं है। शरद पवार ने इस बारे में कुछ कहा नहीं। शरद पवार ने ये कहा कि जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसमें कांग्रेस को भी रहना चाहिए। वो एक नैतिक बयान है, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार यहाँ चला रहे हैं और गाहे बगाहे सोनिया गांधी से हमारी बातचीत होती रहती है, तो हमको कांग्रेस को सीधे सीधे अधिकार नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ये पता है कि ममता और कांग्रेस साथ नहीं चल सकते। अब स्थिति ये आ गई है कि सोनिया और ममता या राहुल या ममता अब समानांतर हैं, अब वो साथ नहीं चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अब हम आने वाले समय में 2024 के लिहाज से ममता के साथ जाएंगे। संकेत तो यही है, ममता ने एक पैन इंडिया इंपैक्ट बनाने की कोशिश की। सुष्मिता देव का अपने नाम है असम से, उनको राज्यसभा बुला दी। गोवा में चुनाव होने, लुजुना फरेरियो को उन्होंने राज्यसभा भेज दिया, वो भी आप
ढांचा तैयार हो जाए ताकि आप देश भर में लड़ सकें, आपको वोट मिले और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो अगर 42 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं उसमें से मानता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, जैसे 2014 का था, और 30-32 सीटें उनके पास आ जाती हैं। देश के बाकी हिस्सों में अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ती हैं। अंडरस्टैंडिंग क्यों कि हमको एक दो सीटें कहीं ना कहीं मिल जाए तो 5-7-8 सीटें हो जाएंगी, तो 40 सीटों की पार्टी में हो जाऊंगी। तो इस 40 सीट की पार्टी अगर है तो कभी चौधरी चरण सिंह हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इस लिहाज से चंद्रशेखर हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? तो भारत में एक लीडरशिप हमें देखी जाए मोदी के विकल्प के तौर पर, इस लिहाज से अपने आप को तैयार कर रही है, इसलिए कांग्रेस का लगातार हाशिए पर जाना उनके लिए जरूरी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ अब उनके रिश्ते जो फासले पर आ रहे हैं, कारण ये है कि अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री में रहेगी तो ममता बनर्जी कोशिश बेकार हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस के मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पर नहीं रहने के बाद ही ममता बनर्जी अपने मकसद में पूरा हो सकती हैं। अब देखिए राहुल गांधी को क्या कहती हैं वो आज, कि भाई जो आदमी कुछ करता ही नहीं है, जो विदेश में रहता है उसके बारे में क्या बात करें, फील्ड में नहीं खेलेंगे तो हार जाएंगे, इस तरह के बयान अगर दे रही हैं तो उनका संदेश साफ है कि वो राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको वो सवालों के दायरे में ला करके और अलग करना चाहती है, और वो अपनी लीडरशिप को आगे करके बाकी नेताओं को जोड़ना चाहती है। ये बात दूर की है कि 2024 में स्थितियां क्या बनेंगी, लेकिन कोशिश उनकी अभी यही है क्योंकि प्रशांत किशोर उनको गाइड कर रहे हैं, उसके मुताबिक वो चल रही है। एक सवाल सर यहाँ ये भी खड़ा होता है कि थर्ड फ्रंट का जो कंसेप्ट है ये कोई पहली बार है नहीं, ये हर बार जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो ये थर्ड फ्रंट का जिन्ह जो है वो खड़ा हो जाता है, और उसमें जो चेहरे शरीक होते हैं वो सब चेहरे ऐसे हैं जो हर आदमी अपने आप को पीएम पोस्ट के लिए काबिल मानता है। तो अगर मान लीजिए ममता बनर्जी जिस थर्ड फ्रंट की बात कर रही हैं या शरद पवार जिस थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, शरद पवार भी अपने आप में बहुत बड़े कद्दावर नेता है, तो ऐसी सूरत में हालांकि थर्ड फ्रंट का लीडर कौन होगा ये सवाल पूछा गया तो बड़ा गोलमोल सा जवाब आया, उसमें कुछ साफ तस्वीर नहीं थी, लेकिन आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? अगर ये थर्ड फ्रंट बनता भी है तो क्या इसका कोई मुकम्मल चेहरा, वेल एक्सेप्टेड चेहरा है? हाँ, ये बात आपकी सही है कि ये थर्ड फ्रंट बना देने के बाद थर्ड फ्रंट का लीडर कौन हो ये सब लोग किसी को स्वीकार कर लें ऐसी स्थिति नहीं है, और इसमें 4-5 लोग जैसे फर्ज कर लीजिए कि अखिलेश यादव या आप YSR कांग्रेस में आइए, जगनमोहन रेड्डी जी क्या वो मान लेंगे या स्टालिन मान लेंगे? स्टालिन की पार्टी 39 सीटों में से फर्ज कर लीजिए कि 30 सीटें लेकर के आ गई, तो क्या वो मान लेंगे ममता बनर्जी को या प्रधानमंत्री बन जाए? तो यह जो अपने कद और अपनी जगह बनाने की लड़ाई है वो थर्ड फ्रंट के सभी लीडर्स के बीच में रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि सत्ता में कभी कभार ये होता है कि जो पार्टी है जो लीडर है उसको हटाने के लिए गठजोड़ हो जाता है, क्योंकि सत्ता में साझेदारियां आपकी हो जाती हैं। जब इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी को सत्ता से बाहर करने के लिए कई सारी पार्टियां आ गई, जनसंघ बन गया कई दलों को मिला करके। जब राजीव गांधी के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी को आप ध्यान में होगा कि बीजेपी ने भी और लेफ्ट ने भी दोनों का समर्थन मिला कि भैया आप बन जाइए, तो दोनों ने बाहर सपोर्ट कर दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो गठबंधन की जितनी सरकारें होती हैं, अब नरसिम्हा राव साहब इसलिए बने हैं कि कहीं बीजेपी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार ना बना ले, तो अल्पमत की सरकार भी नरसिम्हा राव 5 साल चला गए। तो सत्ता में आप जो प्रतिपक्ष आपका है जिसको आप दुश्मन नंबर 1 मान रहे हैं उसको सत्ता से दूर रखने के लिए आपके बीच में साझेदारियां हो जाती हैं। मैं इसको गठबंधन नहीं कहता हूं कि थोड़ा आप भी थोड़ा आप भी थोड़ा आप भी थोड़ा आप भी, एक नेता किसी को आप मान लेते हैं, कभी कभी उसमें किस्मत देव घोड़ा चलोगे चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी संकट है इसमें इस तरीके से, लेकिन पवार को शायद इसलिए गई होंगी कि शरद पवार की इन पार्टियों में अपनी एक जगह है और चाहेंगे कि सबको एक जगह हम लाएं। तो उस मीटिंग को याद कीजिए जो प्रशांत किशोर ने शरद पवार के साथ की थी, और इस मीटिंग को याद कीजिए ममता जा रही है, तो वो एक भूमिका बना करके आए थे और अब ये किताब लिखने की तैयारी है। जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है यही है। अच्छा, ये जो मुलाकात है इसी मुलाकात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी को हराना माइनस कांग्रेस तो असंभव है, इसको भूल जाइए।
तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि साहब ये जो दल बन रहा है, जो थर्ड फ्रंट की रूपरेखा ये दुनिया को समझा रहे हैं, ये सिर्फ मौके की बात है, ये मजबूरी के आपसी गठबंधन है, सत्ता का लालच है, लेकिन बिना कांग्रेस तो थर्ड फ्रंट माइनस है, कुछ नहीं हो सकता। देखिए कांग्रेस ऐसे भी सबसे बड़े दल के रूप में उसको रहना चाहिए नंबर के लिहाज से, क्योंकि आज भी कई राज्य में उसकी सरकारें हैं और कुछ बड़े राज्य हैं। पंजाब में स्थितियां क्या होती हैं चुनाव के बाद आप देखें, तब लोकसभा के नतीजे बहुत हद तक विधानसभा में आपकी सरकार है तो थोड़े बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे मुख्य धारा से अपनी स्थिति को कमजोर किया और हाशियो की तरफ जाती रही है। और ये आने वाले समय में कांग्रेस अगर इसी तरीके से किनारे की तरफ जाती रहती है तो जो जगह खाली हो जाती है उस जगह की भरपाई के लिए, उस जगह के विकल्प के तौर पर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। तो यह दरअसल वो सामने देख रहे कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस यहाँ तक आ जाए कि उसको 15-20 सीटें भी ना आए, उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य एक सीट आपके पास, बिहार से बड़ा राज्य एक भी सीट नहीं आपके पास, तो अगर ऐसी स्थितियां बाकी राज्यों में होती चली जाती हैं तो कांग्रेस वो जमीन छोड़ेगी जो जमीन विपक्ष की मुख्य पार्टी की, तो उस जमीन पर कौन सी पार्टी आएगी, कौन सा नेता खड़ा होगा, इसकी तैयारी ममता बनर्जी कर रही है। तो आने वाले समय को ध्यान रखते हुए चल रही है, ऐसे में कांग्रेस के साथ चल करके विकल्प नहीं बन सकते, उनको पता है कांग्रेस को हटा करके विकल्प बनना है, तो कांग्रेस को जितना दूर करेंगे, जितना कमजोर करेंगे, हमारी स्थिति उतनी बेहतर होगी, हम अपने मंसूबे में कामयाब होंगे। अच्छा, मैं यहाँ इस मुलाकात को एक बार नारायण राणे के उस बयान से थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा। ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पे निशाना साधती रही, बराबर में शरद पवार खड़े हुए और उन्होंने जो आपने कहा कि एक नैतिक सा जवाब उन्होंने दे दिया इस मुलाकात को लेकर के। नारायण राणे पहले ही कह गए कि साहब मार्च तक ये सरकार खत्म। तो नारायण राणे ये जानते हैं कि ये गठबंधन जो है, जो तीन पहियों वाली सरकार है, ये लगभग लगभग अब कोलैप्स करने वाली है। कांग्रेस उस गठबंधन में थोड़ा ऑड मैन आउट तो महसूस करती रही है, लेकिन सरकार चल इसलिए रही है कि आपको सामने बीजेपी दिख रही है। उद्धव ठाकरे ने रिश्ते खराब कर लिए, संजय राउत के जरिए जो बयान आए या उनके अपने सामना के लेख के जरिए जो चीजें आई हैं उसमें बीजेपी पर बहुत तीखे तंज कसे हैं शिवसेना ने, तो अभी मतलब सब ताजा घाव है तो तुरंत भर जाएगा, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। नारायण राणा को ये लगता है कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के बीच का जो समीकरण है वो लंबा नहीं चलेगा। नहीं चलने का कारण क्या है यह मुझे दिखता नहीं, क्योंकि बीजेपी के आने का जो डर है वो अब शिवसेना को उतना ही है जितना कांग्रेस को। तो एनसीपी की तो अपनी है, शरद पवार तब सब जगह फिट बैठ जाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं, वो बीजेपी के साथ भी अपने इक्वेशन ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी रिश्ते खराब जो है ना शिवसेना और कांग्रेस के रहे हैं और हैं। तो वैसे में नारायण राणे की उस बात में मुझे बहुत वजन नहीं लगा कि वो किस आधार पर कह रहे हैं, कारण क्या है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है, यह बात दीगर है। हो सकता है परमवीर, देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं इंटरनली, हो सकता है, हो सकता है। बहरहाल इस मुलाकात को मैं एक नजरिए से और समझना चाहूंगा। पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो सामने है, मोटे तौर पर टीएमसी गोवा में कहीं फाइट कर रही है, लेकिन इस मुलाकात के मायने कहीं इन पांच राज्यों में कांग्रेस के नजरिए से देखें कितना डेंट करेगा। नहीं, विधानसभा के चुनाव अलग हैं और इन पांच राज्यों में टीएमसी की कोई जगह है नहीं, और टीएमसी इतनी जल्दी अपनी जगह बना ले ये तो असंभव सी बात है। कांग्रेस को डेंट टीएमसी उस लिहाज से विधानसभा में नहीं कर रही है। कांग्रेस जितनी ताकत लगाएगी, जितना जोर लगाएगी, उतनी सीटें उसके हिस्से में आएंगी, क्योंकि वहाँ परंपरागत तरीके से उसका अपने संगठन है, एक वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में भी 6-7% के आसपास का वोट बैंक है, पंजाब में उसकी सरकार है, गोवा में पिछली बार सरकार बनाते बनाते पार्टी रह गई थी, मणिपुर में भी स्थिति पार्टी की ठीक है, तो इन सब राज्यों में उत्तराखंड में फाइट में पार्टी है, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मैं कहीं से भी टीएमसी की तरफ से खतरा नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इस लहजे से समझना चाह रहा था कि देखिए कांग्रेस को बीजेपी एक तरफ से निशाने पर लेती है, लेकिन जब टीएमसी कांग्रेस को निशाने पर लेती है तो आम आदमी के नजरिए में कांग्रेस जो है वो दोतरफा घिरती चली जाती है कि ये इसके अपने अलायंस रहे हैं और अब यही अपने अलायंस इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कांग्रेस कितना बैकफुट पर आपको नजर आ रहा है इन चुनाव के लिहाज से? नहीं, देखिए
इसका कोई खास इंपैक्ट आपको नजर आता है? ममता बनर्जी अगर कांग्रेस को निशाने पर लेती हैं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बयान देती हैं, तो बीजेपी को वो बात सुहाएगी, लेकिन बीजेपी को ममता बनर्जी भी खतरे में नजर, ममता बनर्जी खतरा नजर आएगा। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में जो अपना प्रदर्शन किया उसके बूते उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई, उस इमेज को अब वो देश के स्तर पर लाना चाहती है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। इसलिए लोकसभा चुनाव के जो नियम कायदे हैं, रणनीति है, उसके मुद्दे हैं, वो अलग हैं, विधानसभा चुनाव के अलग होते हैं। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को, कांग्रेस संगठन को, नेतृत्व को अगर सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं तो उससे विधानसभा चुनाव में कोई बहुत कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। वहां अखिलेश अगर निशाने पर लेते हैं, पंजाब में अमरिंदर सिंह निशाने पर लेते हैं, तो चूंकि वहां का जनाधार उनके पास है, वहां का वोट बैंक उनके पास है, तो उसका असर पड़ेगा। जी, इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे थे और उसके बावजूद मैंने रिक्वेस्ट की राणा सर से कि सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, और 5 मिनट की बात कहकर के मैंने करीब 12 या 15 मिनट ले लिए सर के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसे लेकर के आप कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।